मुट्ठी तो लो हाथ में। तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। यार काफ़ी अरसे के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ और अपनी वीडियोस इंशाल्लाह अब रेगुलर लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी इन चीज़ों पे भी ज़्यादा नहीं जाते कि हम कितने टाइम बाद आए, क्या हुआ है। अभी आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ दिखा। तोड़ दी, लगवा ले। लगवा रहा हूँ, इस पर सारा लाल कलर हुआ हुआ था, वो अभी हमने मुश्किल से उतारा है। मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरह उतारा है। मुट्ठी तो लो हाथ में। है सीब किस तरह उतारा है? मिट्टी से रगड़। मिट्टी से रगड़ के, क्योंकि ना भाई हम लोग जब इसमें फिंचेस डालते हैं, वाइट फिंचेस, तो वो पूरी रेड हो जाती हैं। फिर अगर हम सेल करने भी जाते हैं तो वो सेल नहीं होती है। चलो लगाओ, शुरू करो। इस छोटे से पिंजरे में फिंचेस का इंशाल्लाह सेटअप हो जाएगा जल्दी। छोटा सा कितने पेड़ डालोगे इसमें? दो पेड़ डालेंगे। और हमारे पास भी पेड़ इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे। अभी तो एक पेड़ है, फिर और लाते जाएंगे। ऊपर की तरफ लगा बिल्कुल। हाँ बस अबे ऐसे बोल लो। कैसे यार, फिंचेस को ना एंटरटेनमेंट की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके मिजरे में मौजूद हैं डकी भाई। ये देखो, ये आप लोगों ने देख ली, या तो ये डकी भाई हैं या फिर वो जो पेप्सी के ऊपर लोगो लगा होता है एक बंदे का, मुझे नहीं पता कौन है ये, लेकिन उन दोनों में बहुत मिलना है। पूरे 4 साल की मेहनत के बाद हमने मटकी लगा ली है। सॉरी 5 मिनट के बाद ना यार, वो एक खूबसूरत सी लकड़ी चाहिए थी जिसके ना टहनियाँ निकली हुई हुई हूँ, तो उस पर फिंचेस बैठ के बहुत खुश होंगी। ये ऐसी गली में मिला है छोटा सा पेड़, इसको तोड़ के ले जाते हैं। पिंजरे में आ जाएगा ये? चलो भाई इसके तोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं। जड़े काट दो, अब इसको पूरा साफ कर दो। देख के कट ही नहीं रही है, तो इसको तोड़ देंगे। चलो ये भाई लगा दो अंदर, जल्दी से लगा दो। ये देखे अभी लकड़ियाँ लगा रहे। ये देखे अभी गाइस, हम लोग ये कर रहे हैं गाइस, अभी लकड़ी लग जाएगी तो फिर गाइस बस हो गई। देखे अभी लकड़ी लग चुकी है। ये देखे अभी हम विराब बना रहे हैं। इतनी मेहनत करके लकड़ी तोड़ के लाए हम, उसके अंदर इतनी प्यारी टहनियाँ थी, पिंजरा इतना प्यारा लग रहा था, और मेरे मुंह में इतने अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से कुछ कह नहीं सकता। इसने सारे पिंजरे की हालत ख़राब कर दी है। देखो लकड़ी तोड़ के खाली 3-4 टुकड़े रह गए हैं, उसके बाकी जितनी खूबसूरती थी, छोटी छोटी टहनियाँ थी, सब तोड़ दिए इसने। भाई अभी इसमें ना फिंचेस छोड़ के चेक किए हैं तो प्यारी तो लग रही है, लेकिन इसमें मेल जो है वो मेरा है, मेरे पैर का मेल है। अब ये कह रहा है कि ना मुझे मेल भेज दे। आप बताएं मुझे बेचना चाहिए या नहीं? भाई मेरी तो ये है कि मैं मेल नहीं बेचूंगा, इंशाल्लाह और पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। बाकी ये अपने वाइट फिंच के लिए एक मेल खुद लेकर आ जाए। तो भाई 5:30 हो चुके हैं और अपने सब परिंदों को दाना पानी कर देते हैं। चलो भाई आ जाओ यार। इनके ना मैंने केज की ऑयलिंग भी कर दी थी ताकि जंग ना लगे और अटके नहीं। आ जाओ भाई। और ओए मैं तो फिंचेस को भी निकाल रहा था। इतना कचरा निकलता है सिर्फ फूक मारने से, क्योंकि ना सिर्फ बीज खा लेती हैं, और सॉरी हाँ बीज खा लेती हैं, इसके ऊपर का कवर जो होता है वो छोड़ देती हैं। चलो भाई अपने घर। यार ये ना नस्ली फ्लाइंग कबूतर है, लेकिन ये ना पट्ठा था और बीमार आया था मेरे पास, तो इसकी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अभी इसी छोटे से पिंजरे में रखता हूँ सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए, खाना पानी के लिए, वरना ये बाहर होता है। देखिए अभी इसको दाना पानी करेंगे, फिर इंशाल्लाह बाहर छोड़ देंगे। अब क्या तुम्हें भी हाथ से निकालूँ? चलो तो यार ये ना मेरा माशाल्लाह से घर में पैदा हुआ है पट्ठा, और माशाल्लाह बड़ा हो गया, घर का पक्का भी हो रहा है। चलो भाई ये भी मेरे घर का है, लेकिन ये छोटा है उससे। चलो भाई चलो आप भी चलो। इसको कर देते हैं बंद, और अब बारी है इस मादी की, लेकिन हम इसको ना अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा वो नर है रेड बार,
वो इसको मारता है। तो एक वक्त में ना एक ही खाना खाता है। अभी हम फिंच का दाना भर देते हैं। तो भैया फिंच का दाना पानी हम कर चुके हैं, वो देखें फिंच का दाना भी रख दिया, पानी भी। अब बारी है मुर्गे और चूज़े को जो है चावल देने की। तो मैं थोड़े से चावल लेके इसमें डाल देता हूँ, जितना हमारा चूज़ा खा सके। मेरे ख्याल से इतने बहुत है इसके लिए। भाई इसको भी चावल डाल चुके हैं, अब बारी है इसकी। चल भाई खा ले यार, डाल दिया चावल, डर क्यों रहा है। इनका पानी भी साफ़ कर दे। लो भाई थोड़ा बहुत तुम भी ले लो। ये हमने कबूतर को भी थोड़े बहुत चावल डाल दिए। चलो ये लो। पता नहीं कौन आया गेट पे, मेरे ख्याल से बाबा आए भिखारी। इनको 10 रुपये दे के फारिग कर देते हैं। अरे ये तो सबसे बड़े बाबा हैं। चल बाबा 125 लेके घूम रहे हो, 70 भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? जल्दी बैठ। हैं चल जल्दी चल, बाजरा लेके आना। बाजरा लेके चलो भाई, ये लो खाओ, बिस्मिल्लाह करो। अपने सारे परिंदों को भी दाना दे चुका हूँ मैं, वो देखें सब सेट है। तो भाई काफ़ी मेहनत के बाद ये कुछ घास फांस हमने फिंचेस के पिंजरे के ऊपर डाली है, खूबसूरती के लिए सिर्फ। यहाँ पर साइड में एक पौधा छोटा सा लगा दिया, ऊपर घास है और अंदर पिंज घूम रही है, वो खाना खा रही है। तो बस यार आज का व्लॉग यहीं तक था। ओके अल्लाह हाफिज़। ऐसी गली के कोने से भूसा चुरा रहा, ये किसी का भूसा पड़ा हुआ है। अरे ये हसीब जी थैली में भर के लेके जा रहा है। किसको खिलाएगा, है नाश्ता करेगा।